महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस? सत्य का विजय हुआ है और सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है, उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो हम लोग तो निर्णय को मानने वाले लोग हैं और हमने हमेशा कहा है कि जो भी निर्णय होगा मेरिट पे होगा। लोकशाही में बहुमत को महत्व होता है, मेजोरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने का काम सभी जगह होता है और हम लोगों ने जो सरकार स्थापित किया है वो पूरी तरह से कानून और घटना इसका आदर करते हुए हम लोगों ने किया है। और जो जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने रिजाइन किया है और नैतिकता की बात अब करने से पहले अगर करते जब चुनाव हुआ था, जब शिवसेना भाजपा की सरकार का जब गठित होने मतलब जो सार्वत्रिक चुनाव हुआ तब लोगों का मैंडेट ध्यान में रखते हुए अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जो मैंडेट था, जो बरसों से शिवसेना भाजपा की अलायंस गठबंधन था उसी के साथ सरकार बना दिया हम लोगों ने और निवडणूक चुनाव आयोग ने भी उसके ऊपर शिक्का मोर्तब कर दिया। जब हम लोगों ने निर्णय लिया उसके बाद 3-4 महीने में ही चुनाव आयोग ने हमारे को पार्टी का दर्जा दे दिया, शिवसेना और सिंबल धनुष्यबान दे दिया और यह पूरी तरह मेरिट में हुआ है। आरोप किसने लगाया उनके ऊपर मैं आज नहीं टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आज का जो निर्णय है और जब रिजाइन की बात होती है, रिजाइन जब आपके पास बहुमत ही नहीं था, जो अल्पमत की सरकार हुई थी सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा और रेजिग्नेशन हुआ है। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया और उस निर्णय को भी जायज यहां पर ठहराया गया है। ये है आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने यह कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था, इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते